इसलिए वो अपने पैरोकारों से उनकी मामूलत ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत को बर्दाश्त नहीं करता खास तौर पर जब मामला हकूक वबाद या इजतमायत का हो तो उसकी अहमियत और हसासीत और ज़्यादा बढ़ जाती है इस्लाम अपनी तालीमत में इंसानी अली अकदार और औरबिल कदर सिफ़ात को तरजीह देता है इसकी बेशुमार बेहतरीन सिफात में से एक सिफत इफ़ाए आहद जिसको वादे की पासदारी भी कहा जाता है वह है ईफा अहद एक मुसलमान के दीगर फ़राइज के साथ साथ एक बहुत बड़ा फरीजा है जो उस पर अल्लाह की तरफ से आयद किया गया है अगर कोई इंसान ईफा अहद की सफत से खाली है तो वो इंसानियत के शर्फ से ही आरी समझा जाता है और वह बिल आखिर इंसानी माशरे में नाकबिल एतबार समझ लिया जाता है नदीन आज के इस प्रोग्राम में हम ईफा अहद या अहद की पासदारी के मौजू पर गुफ्तू करेंगे इस मकसद के लिए हमने या अय्यूीन आमनु के सिलसिले में कुर हकीीम के जिस मक़ाम का इंतबाब किया है वह है सूरतमादा की आयत नंबर एक इस आयत में अल्लाबहान वतात फ़रमाते हैं आउज़ बिल्ल मिनशतौनिम बसम्लर याज़ीन आमनु अफ़ू बिलआूद उखलत लकुम बहीमतल अल्लामायल्कुम ग सैदी व अनतम इमायूरीत सदकिल्लीम इस आयत का तर्जुम को क्यों है कि ए अहल ईमान अपने अहदोपैमानल करार को पूरा किया करो तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं मवेशी किस्म के तमाम हवाना सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जा रहे हैं ना जायज़ करते हुए शिकार को जबकि तुम हालत अहराम में हो बेशक अल्लाह हुकुम देता है जो वो चाहता है नाज़न आइए गफ्तु के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हम मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे मौजूद मेहमान मारूफ दीन इस्कालर व अमीर तंजीम इस्लामी मोहतरम जनाब शीन शेख़ साहब आइए उनसे गफ्तु करते हैं असल वरम् वालिकमल वरह वैर अलहमदिल्ला आप ठीक है माशा करम एहसान है शेख साहब सूरतम की आयत नंबर एक पर आज हम गुफगू करेंगे तो सबसे पहले तो ये सूरत अमायदा है इसका एक अगर अमूमी खाका इसके मजामी की तरफ एक रोशनी हो जाए तोज् हो जाए थोड़ी सी बिसमीम्ल महमदूल महमद वबारक वसलम बहुत क़ीमती आयत का अपने इंतब फ़रमाया जिसमें अहद की पासदारी के हवाले से तोज्ह दिलाई गई सूरतमादा कुरानी हकीम की मदनी सूरतों में से एक मदनी सूरत है और मुबरीन के बयान के मुताबिक जो मदनी सूरतें नाजिल हुई हैं उनमें ये आखिरी सूरत भी है मज़ीद ये बड़ी तवील मदनी सूरत है जिसमें शरीय के कुछ तकमीली अहकाम का बयान भी मिसाल के तौर पर आप और हम जानते हैं कि शराब की हरमत के बारे में अहकाम तदरीजन आए तो शराब और जुए की हरमत के बारे में जो आखिरी हतमी फाइनल हुक्म आया वह सुरैदा की में नबे और इक्यानवे में आता है एक और ख़ास बात जो नबी अक्रम सल वसम पर तकमील दीन का ऐलान हुआ और जो आयत करीमा नाजिल हजतुलवादा के मौके पर वो आयाद सुरुतुलमायदा के शुरू में आती है फिर एक बड़ी दिलचस्प बात मुफसरी ने यह भी लिखी है कि मुख्तलिफ़ मौे पर मदनी दौर के आखिर में मुख्तलिफ मवाक़ पर इस सूरत के हिस्से नाजिल हुए सुलहुदेबिया का सफ़र था सन हिजरी तब भी कुछ आयात का नज़ुल है आठ हिजरी में फ़तेह मक्का का मामला है उस मौके पर भी कुछ आयात का नज़ूल हैती किजतलविदा के सफ़र के तल्ल से भी जैसे कि अभी इशारा भी हुआ कुछ आयात उस मौके पर भी नाजिल की गई मज़ीद इसमें कि शरीय के हलाल हराम के अहकाम भी अता हुए अम्मा एशत सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तह ने यह भी इशात फरमाए कि हलाल हराम के अहकाम भी इसमें हैं और कुरान में एक मसला है ना नासुख़ और मनसूख का कुछ अहकाम पहले आए कुछ बाद में आए फरमाया कि इसमें हतमी अहकाम अल्ला सुबहान तरफ से आ गए बाज रिवायात में जिक्र आता है कि सूर्य नस्ाह की तालीम तो है कि औरतों को सिखाओ और सूरत मायदा के बारे में तालीम अता की कि कि अपने मर्दों को सूर्य मैदा सिखाओ इसी तरह एक बड़ा अहम मौदू जो सूरतमादा में आता है वो अहकामत शरीय के नफाज के हवाले से है सबक उम्म बनी इसराइल का जिक्र है जिन्होंने शरीत को पसे पुष्ट डाल दिया था उनका जिक्र करके हमें भी फरमाया गया इसी सूरत में आयत नंबर चवालीस में पैंतालीस में सैंतालीस में म, मल्लम यह का अनजरल्लामुल काफ़ी जो लोग अल्लाह ताली के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही अमल इनको फुर कर रहे हैं वही यानी शिर कर रहे हैं और वही फिसक कर रहे हैं तो हलाल हराम के अहकाम और शरीयत के तकमीरी अहकाम तकमीर दिन का अलान नफाद शरीत पर जोर ये कई और कुछ फ़िक्री अहकाम भी अता किए गए ये मजामी रसूर मायदा में हमारे सामने आते हैं सही शेख साहब जो आयत तो मैं अल्लाह ताला ने ईमान वालों से गुफ्तु फरमाई उसमें पहला हुक्म यह दिया अवफू बिल अकूद के अकूत को पूरा करो तो मैं जानना चाहता हूँ ये अकूत से क्या मुराद है <coughs> बहुत अच्छा लफ्ज़ है लफ्ज़ है और बड़ा आ, कहना चाहिए कि बंधा हुआ लफ्ज़ है तो, इसका मफहम ये बनता है अकूत आक की जमा है और इसके मानी ग्रह की भी किया गया किसी शह को ग्रह लगाने का मतलब होता तो है उसको मजबूती से बांध देना उसको मजबूती से जकड़ देना फिर ये रफ्स इस्तेमाल किया जाता है वादों के लिए कि जब दो अफराद या दो फरीक़ैन के दरमियान कोई बात तय हो जाती तो गोया कि वो गिरा लगा दी और उन्होंने उस मामले को पक्का कर डाला अब उस उसके नतीजे में किसी काम के करने का मामला किसी पर आ जाएगा ज़िम्मेदारी के तौर पर या किसी बात के ना करने का मामला किसी परिमेदारी के तौर पर आ जाएगा तो अकूत अगर की जमा है और अक्द के माने गिरह के हैं और इसमें मजबूती का अंसर शामिल है और दो फरीक़ैन के दरमियान जो वादा हो जाए जो माहिदा तय पा जाए तो उसके लिए अकद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसकी जमा अकूद यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है एक और अहम नुक्ता जो आपने इंट्रो में भी तवज्जो दिलाई कि ईमान वालों से ख़िता किया जा रहा है तो ये वादों को पूरा करने का मामला ये ईमान के तकादों में शामिल है इससे सुर माहा जैसी अहम सूरत का आगाज़ किया गया है और अकूद और अहद ये तकरीबन हम माने ही लग हम माना हैं। तो है यानी ऐसे माहदे जो पक्के हो जाएं जो तय हो जाएं तो उसको गोया कि वो गिराह लगा दी गई तो वादे जब तय हो जाएं वादे जब आपस में दो अफराद या दो फरीकें फरीक़ैन दर, के दरमियान तय कर लिए जाएं तो इसको आग दिया उसकी जमा अकूद कहा जाएगा कि गिरा बांधकर इस वादे को माहे को पक्का कर दिया गया है तो ये जो उकूद या याहूद होते हैं इनकी कुछ अकसाम हैं जो ने बयान की हों या मुफ़ बड़ा बड़ा अहम मामला है अलबत्त हम तो ये समझते हैं माफ़ कीजिएगा हमारे माशरे ये समझता है और ये कहता है कि वो वादे के जो वफा हो जाए हाँ ये तो ये तो हमारे चलता है, है। लेकिन अल्लाह के दीन में नहीं चलता अल्लाह के दिन में तो उसकी बड़ी ताकीद की गई आगे जिक्र भी आएगा इन शी लेकिन आपने बराह रास्त जो एक सवाल किया है कि, कि इसकी कोई इकसाम भी इकसाम हैं भी। तो मुफ्सरी ने इसकी तीन इकसाम बयान फरमाई उसमें दो तो बहुत वाजें तीसरी बड़ी दिलचस्प है वो इकसाम क्या है पहली बड़ी दिलचस्प है एक वादों की वो कस्म है जो बंदा अपने आप से करता है अपने आप के बारे में अपने नफ्स के बारे में अपने मामूल के बारे में मिसाल के तौर पर बंदा नेकी का इरादा करता है तो ये बंदे को मालूम है बंदे के रब को मालूम है ये बंदा अपने आप से वादा कर रहा है कहीं वादो नसीहत के मजलिस है किसी मुनकर के बारे में बुराई के बारे में वादो नसीहत ने बताया कि भाई झूठ मना है वादा खिलाफी मना है खोरी का मामला मना है रिश्वत का मामला मना है बंदे को समझ आगे बात अब बंदा इरादा करता है मैंने ये गुना नहीं करना ये वो वादा है जो बंदा अपने आप, आप से, से कर, तो कर रहा होता है ये भी वादे की शक्ल अहिल ने बयान फरमाई फिर वादे वो हैं जो बंदे बंदों से करते हैं और उनको बाकायदा कभी तहरीर में भी लाया जाता है मसलन जॉब का एग्रीमेंट होता है बिज़नेस का एग्रीमेंट होता है दो कंपनीज़ का एग्रीमेंट होता है दो मुल्कों का एग्रीमेंट होता है कभी आलमी माहे भी हो सकते हैं तो कुछ माहदे तो वह हैं जो लिखे जाते हैं और बाकायदा तहरीर में लाए जाते हैं किराए का माहिदा भी, भी, भी हो सकता है मिसाल के तौर पर एक बड़ा दिलचस्प है शरीय तो उसको हक़ूक नईबात के तलुक़ से बयान करती है आम जो लॉ पढ़ाया जाता है बिज़स लॉ वगैरह या बर्कन लॉ जिसको हम माजी में पढ़ते थे उसमें कहा जाता है कुछ एम्प्लॉड अग्रीमेंट्स होते हैं मतलब वो लिखे नहीं जाते मगर माशरा उसको कबूल करता है लेकिन शरीय तो उसका तकादा करती है मिसाल के तौर पर जब एक शख्स का निका होता है तो निका नामे में कहीं नहीं लिखा होता कि औलाद होगी तो परवरिश करनी है औलाद होगी तो किफालत करनी है जो शोहर साहब बनने जा रहे हैं वो हज़रत निका फॉर्म में तो कहीं नहीं लिखते लेकिन।, लेकिन हर बंदा ज़िम्मेदारी पूरी करता है और अगर माशरा अखदार के हवाले से ज़िंदा हो और कोई शख्स ये जिम्मेदारी पूरी ना करे तो माशरा बुरी निगाह से देखता है लेकिन दीन तो कहता है कि औलाद की किफालत मर्थ के ज़िम्मे बाप के जिम्मे लगाई गई इसी तरह वो जो निका लिखा जाता है अक्सर वो उसमें शराब का कॉलम तो हमारे फिल नहीं किया जाता एक इम्प्लाइड बात है कि शोहर के ज़िम्मे बीवी के ना नफ़े के अखराजा हैं उसकी किफालत की जिम्मेदारी लिखा तो नहीं होता लेकिन अगर शोहर ये ना करता हो तो माशरा अगर अखदार के हवाले से जिंदगी यह जुमला मुझे क्यों, क्यों कहना पड़ रहा है इससे कि हमारी अकदारी मिट रही हैं माशरे हवालियत की तरफ जा रहे अल्लाह माफ रखें इसलिए ये जुमला कहना पड़ रहा है मजबूरन तो अगर माशरा जिंदा हो अखदार के अतबार से और एक शख्स अपनी बीवी की किफालत की ज़िम्मेदारी पूरी ना करे तो माशरा उसको अच्छी निगाहों से नहीं देखता ये तो हुआ माशरे का मामला शरीय का मामला क्या है शोहर के जिम्मे बीवी की किफालत की जिम्मेदारी है उस पर लाजिम है बल्कि फ़र्ज के दर्जे में कि बीवी की किफालत को वो अंजाम देने की कोशिश कर इसको मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ वादे वो हैं जो बंदों के दरमियान हैं लिखे नहीं जाते मगर माशरा तो तस्लीम करता है और शरीय हकूकईबाद के नाते जो तालीम अता करती है उसमें हकूक व फ़राइज के तयन में ये बात आती जिम्मेदारी या शोहर की जिम्मेदारी का बयान का रिश्तेदार आ, आ, आ जाएंगे पड़ोसी आ जाएंगे बड़ों का अदब आ जाएगा छोटो सेफफ़त की बात आ लिखी हुई चीजें नहीं होंगी लेकिन तो हमारे आम असरी में लॉ पढ़ाया जाए तो उसमें तो इसको कहेंगे लेकिन मैं तो जोर दे रहा हूँ अल्लाह तो उसको दीन का हिस्सा बयान करता है माँ बाप की खिदत पर जन्नत की बशायरत वजूर देते सल्लाम और माँ बाप की ना फरमानी उनका दिल दुखाना उनके साथ ना ना रवाज़ सलूक करना उस पर जहन्नम का वही वई, की वही हुजूर बयान फरमाते हैं बीवी की किफ़ालत करो उसके अखराजा को पूरा करो बच्चों की किफालत करो उनके अखराजात को पूरे करो तो कि सदका इस वाब का काम है ज़िम्मेदारी भी है और अजुर स्वाब भी बयान हुआ तो दीन की बात तो अम है ना माशरा उसको आम जबान में इम्प्लॉइड अग्रीमेंट कहेगा अनरिटर्न है लेकिन इम्प्लॉइड है तस्लीम किया जाता है दीन उसको हकूक व फ़राइज के नाम पर बयान करता है तो पहली कस्म तो अपने आप से वादा दूसरी कस्म बंदों से माहिदे कुछ लिखे जाते कुछ लिखे नहीं जाते और तीसरी कस्म वह है जो माहिदा अल्लाह से है ये जो वादा अल्लाह से है कभी कोई कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रहा है वो अल्लाह से वादा कर रहा है हम कलमे को दोहराते हैं ला कहते हैं कि अल्लाह किसी बात कोई मबूद नहीं तो हम गोया कि अपनी मर्ज़ी को उसके हवाले कर रहे हैं गोया कि हमने हैंड्सअप कर दी है अब मेरी मर्ज़ी नहीं आजकल तो ये चल रहा है ना मेरी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी नहीं मुझे मेरी मर्ज़ी को अपने अरब की मर्ज़ी के सामने झुका देना है पेश कर देना है तो ये वादा है अल्लाह तूरी ज़िंदगी उसकी बंदगी करने के अतबार से तो ये तीन अकसाम बुनियादी तौर पर हैं अपने आप से वादा किसी नेकी का इरादा कर लेना किसी गुनाह से बचने का इरादा कर लेना वादे बंदों के साथ भी होते हैं और वादा अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ वादे को थोड़ा और अगर खोला जाए तो अल्लाह के वादे में अल्लाह पर ईमान भी शामिल अल्लाह और उसके रसूल आल्लाम की इताद भी शामिल अल्लाह जिन बातों से रोक दिया उनसे रुकना भी लाजिम। अल्लाह उसके रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया उनको बजा लाना लाजिम। अल्लाह और उसके रसूल आल ने जिन बातों को हराम करार दे दिया उनको हराम मानते हुए उनसे इज्जतनाब करना भी लाजिम। ये सारी ज़िंदगी इसमें आ जाएगी और एक आयत का हवाला दिए बगैर बादशाह मुकम्मल ना हो अल्ला ने एक और अंदाज से इस बात को बयान फरमाया है तो हमारा अहद अल्लाह से लेकिन अल्लाह ताली ने ख़ासदा से जिक्र किया है सुरह तोबा की आयत आयतम एक सौ ग्यारह में बेशक अल्लाह बे ने ईमान वालों से उनकी माल उनके मालों और जानों का सौदा कर लिया इसके लिए जन्नत है हालांकि हम क्या अल्लाह से सौदा कर सकते हैं ये तो हमारी तरगीब के लिए है अल्लाह को किसी सौदे की हाजत नहीं ये हमारी तरगीब तशवी के लिए बात आई अलबत् आगे कुरान कहते हैं इस माहे में कहाँ तक जाना है इस सौदे में कहाँ तक जाना है युवा फी सभी फ़ियवयुखलूम अल्लाह की राम में वो जंग करते हैं करेंगे जब मौका होगा और वो कत्ल करते भी हैं और कत्ल यानी शहीद होते भी हैं यानी इस जान को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और उसके कलमे के सरबुलंदी के लिए लगाने तक का मामला अल्लाह से किए गए वादे में शामिल है और कभी अगर तकाद आए तो जान को भी पेश कर दिया जाए ये है इस सौदे की इंतहाई शक्ल अदायगी के अतबार से इस पर अल्लाह जन्नत का वादा देता है तो अपने आप से वादा बंदों से वादा और अल्लाह सुबहान तला से वादा ये तीन बड़ी बड़ी अकसाम आम वादे की बयान फरमाई शेख वकूत का मफहम भी वादे हो गया और उसकी अकसाम भी आ गई अब यह है कि हमारे दीन ने इस पर कितना जोर दिया है इस पर थोड़ी सी गुफ्तु हो जाए कुरान में हदीस में इसके बारे में क्या ताक़ीद बयान हुई देखिए कुरानी हकीम में मुख्तलि पैरायों में अल्लाह सुबहान इसको बयान फरमाता है जैसे कि अभी जो आयत करीमा जेरे गुफ्तु है यादी आमन अवफ़ू बिलरक़ू ईफ़ा सही रस औफ़ू है यानी पूरा करो अपने वादों को कभी अल्लाह ताला तरमाता है सूर्य बनी साइल के नंबर चौथीस में कि इन अहद काना मसमूला शुबा आहद के बारे में सवाल होगा ये तो हम है जो कह जाते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए और वो कर्ज ही क्या जो अदा, अदा हो जाए हालांकि ये दो इतने अहम और संगीन मामला हैं वादे के बारे में अल्लाह के पैगम्बर आल सलाम की यह हदीस भी है कि ला दीन अली उसका कोई दीन नहीं जो वादे की पासदारी ना करें अब हुजूर ये फरमाएं और अल्लाह फरमाए कि वादे के बारे में सवाल होगा और हम ये कहे या हमें से कोई कहे कि वादे क्या जो वफा हो जाए तो किस कदर जरूरत और बेबाकी तुम लोग और भी मशहूर हुआ था जी के वादे को तुम्हारे वादे कुरान हदीस नहीं है लेकिन वादे की पासदारी करना कुरान का हुक्म है बिल्कुल वादे के जारी करना अल्लाह के रसूल आसमाम का तकादा है और वादे के ख़िलाफ़ करना हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि फरमाए वसल्लम के मुनाफे की तीन निशानियाँ जब भी बात करें झूठ बोले जब भी अमानत रखवाई जाए खयानत करे जब भी वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे तो ये दोनों पहलू आ रहे हैं हमारे सामने अहमियत भी बयान हो रही और ख़िलाफ़ वर्जी के तलुक़ से जो है उनका जिक्र भी आ रहा है तो इसी तरह ईमान वालों की जो सिफ़ात कुरान बयान करता है बल्कि सूरतमिन के आगाज़ में जन्नतफ़रदौस पाने वालों की सिफात बयान हुई सूर्य मुबिन की पहली ग्यारह आयात में अठारहवें पारे का आगाज़ है तो वलिन अमानत राउन कुरान कहता है जन्नतफरदौस पाने वालों की सिफत क्या है कि वह अपनी अमानतों और अपने वादों का लिहाज रखते हैं तो पता चला कि ईफ़ा अहद वो सिफत है जो बंद मोमिन की बहुत बुनियादी सिफत है और वो जो भी हवाला दिया गया था उसके बारे में हज़रतस रदी अल्लाह तैन फरमाते शायद ही कभी ऐसा हुआ कि हज़ू ने ख़ुदाता फरमाया और ये जुमिले शाद ना फरमाओ जिनमें यह भी बात शामिल है कि ला दिन अलिम उसका कोई दीन है जो वादे को पूरा ना करे तो ये हमारे दीन का हुक्म ये अल्लाह त हुम इसके बारे में कल अल्लाह सवाल करेगा कम उबेश छब्बीस मकाम क़रा कम उ कि जहाँ वादे का जिक्र ईमान वालों की सिफत के तौर पर कि वादे पूरा करते हैं और वादा कर पूरा करने वालों की तहसीन या वादे के ख़िलाफ़ कर, वर्जी करने वालों की मजम्मत कमो बेश को छब्बीस मकामत क़ुरान करीम में हैं जहाँ वादे पर इस अंदाज़ से ज़ोर दिया गया और अहदीस का तस्करा भी हमारे सामने आया और फरमाने के उस जो है वो मुनाफी के एक निशानी है कि जब भी वादा करता है वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा होता है हम जिस पैगम्बर के मानने वाले हैं वो साद हैं सल्लम और वह अमीन है और आगा वहीं से पैदा का वाक़ कि एक साहब जो बाद में फिर ईमान लाए थे कहते हैं जी तीन दिन तीन दिन तक मैंने हजूर को खड़ा रखा हजूर वहीं मौजूद है सल्ला वसम तो क्या ये हजूर की बातें सिर्फ बयान करने के लिए सीरत की किताबों में छापने के लिए है या डिस्कशन करने के लिए है या जब मौका है तो वादे को पूरा करने का तकादा है अल्लाह ताला हमें अमल की तोफ़ी का अच्छा जो एक और बात आती है वादे के हवाले से कि आम तौर पर लोग ये समझने के भाई मैंने लफ्ज वादा तो कहा ही नहीं है हाँ। तो जब मैंने वादा नहीं कहा तो ये वादा तो हुआ नहीं हाँ क्या यही बात है या बात कह देना जिसमें वादे का लफ्ज ना भी आए क्या उस सूरत में भी वादा हो जाता है जब हमने एक बात को तय कर लिया जैसे इब्तिदा में जिक्र आया था ना कि इस बात पर दो फरीक़ैन दो अफरा दो गिरोह या दो फरीकैन दो पार्टीज का इतफाक हो गया कुछ करना है या कुछ नहीं करना ना करने की भी कुछ चीजें होती है अच्छा भी ठीक है हा, हमारा आपका ये एग्रीमेंट है कि ये प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करेंगे आप लॉन्च नहीं करेंगे आप कहते हैं जी मैं लॉन्च नहीं करूंगा फिर जो भी कुछ तय होता होगा रॉयल्टी वगैरह जो कुछ भी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कुछ करने के बारे में तय होगा और कभी कुछ ना करने के बारे में तय होगा कोई ये भी कह सकते मैंने जबान से तो कहा नहीं हालांकि पूरा एग्रीमेंट लिखा और उस पर सिग्नेचर भी किया तो भाई ये भी वादा ही है वो साइन करके भी होगा वो कभी ई मेल करके भी होगा कभी वो टेक्स मैसेज करके हो रहा होगा कभी वो ज़ुबान के अल्फाज को अदा करके होगा हाँ भाई ये मेरे तुम्हारे दरमियान तय हो गया हो। अब लफ्ज़ वादा ना भी हो लफ्ज़ आहद ना भी हो लफ्ज़ इंग्लिश में कहें प्रोमिस ना भी हो लफ्ज़ अकद ना भी हो हाँ मुझे याद आया निका भी तो एक वादा है ना बिल्कुल अब जरा बताइए कि कितने इमाम साहब हैं जिन्होंने कभी जो दूल्हा से हाँ भाई अकदे निकाह के अल्फाज अदा करोगे तो करो तुम्हारा निकाह कभी भी ऐसा भी हुआ।, हुआ।, हुआ भाई फला की साहिबजादी फला की विकालत फला इतना मेहर फला गंवान हाँ भाई कबुल आगे से वो क्या कहते जो कबूल है अब कोई कह जी वो अक तो कहा नहीं तो फिर क्या सारे निका बातिल हो जाएंगे असतफरल्ला तो बात ये नहीं है यानी दो अफराद फरीक़ैन के दरमियान किसी काम के करने का तयप आ जाना या ना करने का तयप आ जाना उस पर इतफाक का हो जाना वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अग्रीमेंट्स होंगे वो सिग्नेचर होगी वो कॉल होगा वो टेक्स्ट होगा वो वादे का लफ्ज होगा प्रॉमिस का लफ्ज होगा वो आहद का लफ्ज होगा लफ्ज़ होगा, कोई और अंदाज होगा कोई और अंदाज और जबान भी तो हो सकती है जिसमें हम उर्दू बोलने वालों के लिए एक ज़रा आसानी है ना कि अदबी का अल्फाज हमारे मौजूद हैं अब कोई जो है वो इंडोनेशियन में कोई कह रहा कहोग हो सकता है इनमें से कोई लस्वी ना आए तो क्या वादे कभी नहीं करते होंगे वो नहीं भाई ये मतलब इसका मेरा ख्याल है बात वाजे हो गई है कि इसमें कतार जरूरी नहीं कि लफ्ज़ अगद या वादा या अहद या ये अल्फाज ही होंगे तो वादा हो रोगा ऐसी कोई शर्त का मामला है अच्छा इसमें जो अकूत का लफ्ज़ है रिटर्न मामला भी आए जैसे कुछ की तरह आपने भी इशारा फरमाया कि तय कर लिया कि हम लॉन्च नहीं करेंगे और उससे पहले लॉन्च कर दिया तो ऐसे ही कुछ ऑफिस के और कारोबारी मामलत के एग्रीमेंट्स हुआ करते हैं तो उसमें बार दफ़ा जो तय होता है उससे कम मिकदार फराम करना या ये कि जो टाइमिंग्स तय हुई हैं उसकी ख़िलाफ़वर्जी करना ये भी या इसके अलावा भी कुछ सूर्यतः हुआ बहुत बिल्कुल आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है मिसाल के तौर पर एक कस्टमर को एक सैम्पल दिखाया गया और ये बड़ी मशहूर बात है सैम्पल बड़ा अच्छा होता है लेकिन जो चीज़ सप्लाई की जाती है वो घटिया दर्जे की या कमतर दर्जे की होती है ठीक है जी आपको एक फला चीज़ देंगे मसलन हम कोई धागा आपको देंगे तो वो धागा मिसाल के तौर तो, पर समझाने के लिए मेरी फील्ड तो नहीं है कि वो सौ फिट धागा है जो लपेटा जा सकता शरी. है अब हाँ जी सौ फिट पूरा है जी लेकिन जब सप्लाई किया जा रहा है तो अस्से फिट है ठीक है जी तो मकदार की कमी या क्वालिटी की कमी ये भी वादा खिलाफी कार्टन जा रहे हैं कार्टन में लिखे हुए हंड्रेड पीस अंदर जा रहे हैं नाइन्टी एट नाइन्टी फाइव नाइन्टी सेवन तो ये जो तीन पीस दो पीस कम किए ये क्या है और पता भी है कि हरी बात है गिनती करवा के भेजा जा रहा है तो ये भी गलत बयानी है ये गलत झूठ भी है और वादा खिलाफी भी, 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 भी इसके अंदर हो रही इसी तरीके पर सप्लाई करना जी आपने पंद्रह दिन का टाइम दिया था आप सप्लाई कर रहे हैं बीस दिन के अंदर या तो माजरत करो ना भाई चलो हो सकता है हालात ट्रैफिक मजबूरिया तो माजरत तो करो लेकिन नहीं कुछ भी नहीं तो अगर पंद्रह दिन की डेट थी और आपने बीस दिन में उसको सप्लाई किया तो ये भी वादा खिलाफी है और और क्या होता है जी एक दफ़ा हमने निका पढ़ाया एक भाई नाजिन बड़ी माजरत के साथ उस पर लिखा हुआ था जनाब नाइन पी एम शार्प चलता है ना शार्क भी लिखा हुआ है एंड योर काइंड प्रेजेंस इन टाइम विल बी हाईली अप्रिशिएटेड अंग्रेजी में था रात सवा बारह बजे उन्हें कहा हुआ तो मुझे कहना पड़ा कि फ़ला महीने की पाँच तारीख थे मैं इतहाई मादरत खाऊँ की अब रात को ईस्वी कैलेंडर के अबार से छठी तारीख लग चुकी है ये भी वादा खिलाफ ही है। हम क्यों लिखते हैं नौ बजे हम क्यों लिखते हैं शार्क ना लिखो भाई एक साहब ने अपने जब वो खाने वगैरह के मामला चलते थे तो उन्होंने लिखा साढ़े ग्यारह बजे रात तो लिखा ये क्या लिखा बोले मैं झूठ लिखूं भाई बजे मैंने नहीं में तुम कैसे आओगे बड़ा शहर है लोग दुकानों से फारि के घरों को जाएंगे तो झूठ नहीं लिखा सही लिखा और सही लिखा साढ़े ग्यारह बजे खाना खोल दिया उन्होंने तो ये भी वादा खिलाफी होती है चेक अल्लाह की कसम कल चेक आ रहा है खुदा की कसम चेक कल आ रहा है और चेक, चेक या छह महीनों का चेक आके नहीं दे रहा अल्लाह की कसम झूठ बोल रहे हो अल्लाह की कसम खाना गलत काम के लिए झूठ बोलना वादा खिलाफी करना चेक बाउंस हो रहे हैं चेक पहुंच ही नहीं रहे ये सारी अकसाम है इस चीज की और आ, आ, जो है वो हमने किसी को टाइम दिया बस पाँच मिनट में मैं आ रहा हूं कितना आम जुमला है ना वो पचास मिनट गुजर जाते बंदा आता नहीं यार झूठ मत बोलो ना आप बता दो कि मैं नहीं पहुंच सकता माजरत कर लो ये ज्यादा बेहतर है कि दूसरे को हम तकलीफ दें दूसरे को हम मुशक्त में डालें और झूठ बोलें वादा खिलाफी करें और आगे से फोन जो है वो साइलेंट कर दें वो बेचारा फ़ोन पर फोन कर हम पहुंच के नहीं दे रहे ये सब झूठ ये वादा खिलाफी ये गुनाह है ये कोई आम हल्की सी बात नहीं और माफ कीजिएगा ये मतलब हम उन लोगों को जो काफिर हैं उन जिनके अकीदे गलत हैं मगर बास चीज उन्होंने हमारी अच्छी इख्तियार कर रखी हैं हम उनको लाख बुरा भला कहते हैं मगर आपको पता है कि क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता आपको पता है कि जो क्वालिटी बताते वो दे रहे होते हैं तो अल्लाह ताला की शरीयत के कुछ उसूल हैं अगर उन उसूलों को ईमान के बगैर दुनिया में इख्तियार करे तो दुनिया में फायदा पा रहे वो हमें ना दुनिया मिल रही है माफ़ कीजिएगा आखिर भी खतरनाक ना हो जाए मामला अल्लाह तलाफात फरए तो ये सारी बातें वादा खिलाफी के जेल में आएंगी इसमें बुनियादी एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो यही कि लोग ये समझते हैं मैंने वादे का तो लफ बोला नहीं है लिहाजा मैं जो मर्जी करूँ ये वादा खिलाफी में आएगा नहीं शायद हाँ दिल को बहलाने की गाली भी ख्याल बहुत अच्छा है जरा यह साहब अपने आपको दूसरी

तो बहुत अच्छा लगेगा भाई बहुत बुरा लगेगा जितना वो बुरा इतना ये भी बुरा है जो आप किसी को ये कह रहे हो कि मैंने वादे का प्रॉमिस का अख्त का अकूत का और अहद का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ये अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा होगा बहरहाल वादा कर चुके हैं तो उसको निभाना चाहिए गलत हो तो माफ़ी मांगे माफ़ी तलाफी कर लें लेकिन गलत बयानी ना करें वी शुड नॉट प्ले विद दवामेंट्स ऑफ अल्लाह व तआला ये अल्लाह के दिन से खेल तमाशा करने की बात है ये लफ्ज़ अहद कुरान ने इस्तेमाल किया ये उकूद कुरान ने मैंने अहद का रसो इस्तेमाल नहीं किया रेफरेंस कुरान का रसो अल्लाह हु अकबर और अपनी गलती के लिए जवास के तौर पर कुरान की आयत को पेश किया जाए ये अल्लाह के दिन से खिलवाड़ के मुतारिफ़ हो जाएगा मतुनाज प्रवाह में वक्त हुए ब्रेक का ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आयत के बकिया मौजूद जिसमें बहीमतल नाम को अल्लाह हलाल रखा है उनकी क्या वजाहत है और अल्लाह ताला ने ये आहकाम उसके पीछे क्या हमत हैं इन तमाम बातों को इन शाला समझेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इजाज़त दीजिए असल वरहल व वो जमाने में मुआवजत थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख तुरा होकर शैरों को मनता कुरान में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं

अब तक हमने गफ्तु किए ओफ़ू बिलओकूत के हवाले से आयत के बकिया मौजूद पर गुतु के लिए हमारे साथ हमारे में मौजूद मेहमान मौजूद हैं आइए उनसे गुफ्तू करते हैं साहब आगे अल्लाह तरमाएहिदलत लकम बहीमतम तुम्हारे लिए हलाल किए गए चौपाए मवेशी तो पहले तो ये बहीमतुलनाम का लफ्ज़ ज़रा मुश्किल सा है इसको थोड़ा सा खोल दें फिर बाकी बातें भी करते हैं इसमें दो अलग अलग अल्फाज अलफ़ बहीमतुल्नाम तो बहीमा क्या है और अनाम क्या है एक राय तो अहल इल्म की ये है अरबी लगत के अतबार से कि अरबों के यहाँ ऊँट कसरत से इस्तेमाल होता था तो अन का लफ्स ऊँटों के लिए इस्तेमाल होता है अलबतः दूसरी राय के नहीं फ़कत ये ऊँटों के लिए इस्तेमाल नहीं होता चार जानवर उनके नर मादा दोनों का जिक्र किया गया जिनमें ऊँट भी है गाय भी है भेड़ भी है और बकरी भी है कि ये वो चार जानवर हैं कि जिन पर अन का इतलाक़ होता है अच्छा ये चौपाए हम जानते भी हैं बहीमा किसे कहते हैं बहीमा हर चरने वाले चौपाए को कहते हैं चार चार पैरों वाला हर चौपाया जो कि चरने वाला हो उसको बहीमा कहा जाता है तो हाजिर कलम यह है कि अनाम का लफ्ज़ जो है वो गाय है ऊँट है भेड़ और बकरी के लिए बोला जाता है और बहीमा का लफ्ज़ जो है वो चौपाए जो कि चरने वाले मवेशी जिन्हें कहा जाता है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये वो अनाम यानी मवेशी चरने वाले जो हमारे लिए हलाल किए गए अल्लाह ताला उसका तस्करा फरमा रहा है इससे ये भी पता चला कि अल्लाह ताला की शरीयत ने सिर्फ चंद इबादात का जिक्र नहीं किया बल्कि हमारे खाने पीने के मामला तक के लिए हलाल और हराम के बारे में रहनुमाई शरीयत इस्लामी में अदा की गई है शेख सब ये जो पहला हुक्म था के वादों को पूरा करो और उसके बाद ये बात आ गई कि तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी हलाल किए गए तो इसके दरमियान कोई रब्त बनता है कोई तल्लक पैदा होता है हाँ रब्त तो निकालना पड़ेगा और बनता भी है माशा अल्लाह का कलाम है कि देखिए जब हमने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह से भी तो वादा है ना और अल्लाह से वादे के दिल में पूरी ज़िंदगी है कि उसको उस पर ईमान भी हो उसको मबूद माना जाए और उसके अहकाम की पासदारी की जाए उसने अगर किसी शे को हराम करार दिया तो उससे इज्तना किया जाए और जिस चीज़ को हलाल करार दिया उससे इस्ता किया जाए तो हलाल करार देना हराम करार देना यह अल्लाह का इख्तियार है इसको अहलिल जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हिलत व हरमत हलाल करना किसी शे को या हराम करार देना ये अल्लाह का इख्तियार है और अल्लाह के इधन से हुजूर का भी इख्तियार है वसल्लम वमानी हकीम में सूरतराफ़ की आयत नंबर एक सौ सत्तावन में वन फिफ्टी सेवन में आता है ना हुजूर के बारे में सल अल्लाह वसम युम तयबा वरुम पाकिज़ा चीज़ों को अल्लाह के रसूल आसमाम हलाल करार देते और नापाक चीज़ों को हराम करार देते अच्छा हजूर खुद कर रहे हैं काम नहीं कुरान बताते सूर नजम की आयत नंबर तीन और चार में नबी सलाम अपनी ख्वाहि से कुछ अर्शाद नहीं फरमाते जो इर्शाद फरमाते वह अल्लाह त वही पर मबनी होता है तो अब वादों को पूरा करने के तकाजे के साथ ये हलाल जानवरों का जिक्र जो आ रहा है इससे क्या मुराद है तो जो आहल अरब थे शिरक में मुबतला थे शर्क अकायद भी थे और शर्क आमाल भी थे और साथ साथ वो जो चाहते हलाल कर लेते जो चाहते हराम कर लेते अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम कर लेते थे अल्लाह की हराम करदा को मुर्दार को हलाल कर लिया करते थे तो अनाम वो अलग सूरत है उसमें भी तफसीत इसके तल्लु से आई हैं कि उनके शर्क अक़ाइद का रद शर्क अमाल का रद और वो जो हलाल हराम के फैसले खुद कर रहे थे उसका अल्लाह ताला ने रद्द फरमाया तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हलाल और हराम के मामला तुम तय नहीं करोगे वो अल्लाह तय करेगा या अल्लाह के पैगंबर तय करेंगे अलैहि वसल्लम एक और नुक्ता हमारे लिए क्या है हम जो मुसलमान माशरों में रहते हैं आज हम देख रहे हैं कि शरीत के बाद अहकाम की धड़ भी खेरी जा रही हैं सूद को धड़ल्ले से हलाल किया गया है और उसकी परमिसिबिलिटी पर्मिसिबिलि परमिसबिलिटी के लिए दावे किए गए हैं और दलाइल के अंबार लगाने की कोशिश की जाती है तो यहाँ हमें भी याद रखना चाहिए जब तुम अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की भी मानो अल्लाह के हराम करदा को हलाल ना करो हलाल करना हराम करना यह अल्लाह और उसके रसूल का इख्तियार है तुम इस इख्तियार में दखल अंदाजी की कोशिश ना करो तो ये रफ्त बनता है वादों की तकमीन और फिर हल्लत के हवाले से जो बात अल्लाह सुबह तयान फरमा की शेक साहब ये आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इल्ला मा युतला अलैकुम सिवाय हाँ। उसके के जो तुम्हें अभी अभी पढ़कर सुनाए जाएंगे या पहले भी उनका तस्करा गुजर चुका है तो वो कौन से अनाम है या कौन से अनाम है कि जिनका तस्करा हो चुका है या होना है कुरान में जो हराम है हाँ पहले एक बात तो बड़ा दिलचस्प नुक्ता ये समझ इल्ला मा युतला अलैकुम सिवाय जो तिलावत करके बता दिया गया ये तो अल्लाह कुरान में बता दी अल्लाह के पैगम्बर अहदीस से मुबारक भी बता दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें एक अहल इम उसूल ये बयान फरमाया कि किमूम के अतबार से मामला हों खाने पीने के मामला हों लिबास के हों, होंम के अतबार से हर हलाल लाए सिवाए वो जो बता दिया गया हो तो ये बड़ा प्यारा नुकता है इससे हमारे जहन में वसात पैदा होनी चाहिए और यार अल्लाह ने फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को हराम किया भाई इतनी सी चीज़ें हराम किए हैं बाकी जब अला तो हलाल की लिस्ट बनाई नहीं जा सकती ये तंग नजरी से नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह ने अगर और उसके रसूल सलाम ने अगर किसी चीज़ को हराम करार दिया तो उसमें हिमत है उसमें हमारा ही नफा और भला होगा तो पहली बात तो यह है कि अमूम के अतबार से खाने पीने के मामला हों लिबास के मामला हों मामला के हवाले से अमूम के मामला हैं इनमें असूल है इन कि हर शे हलाल है सिवाय वो कि जिसका हराम करना बता दिया हराम किया जाना बता दिया बता गया हो कुरानी हकीम या अहादी से मुबारक में अच्छा एक जानवर जो कि सुअर जिसे कहा जाता है उसके भी चार पाँव हैं और वो चरता भी चर्ता है भी। लेकिन उसको ख़ास तौर तो पर वाज तौर तो पर अल्लाह ताला ने तरमत के साथ कुरान हकीम में बयान फ़रमा दिए कम अज़ कम चार मरतबा मरत तो उसकी हरमत का जिक्र कुरान हकीम में आता है वो जो चार बातों की हरमत आती है ना दम है बहता हुआ खून है मुरदार है अल्लाह के सिवा किसी और के केुर्ब के के लिए जानवर को ज़िबा किया जा रहा हो या सुअर हो तो बाज़ लोगों की गलती हो लग गई कि बस चार ही चीज़ें इस्लाम में हराम हैं और भाई चार ही चीज़ें हराम नहीं हैं उस माहौल में जहाँ कुरान का नजूल हो रहा था बकसरत ये चार चीज़ें वहाँ बड़ी हराम जो कि हराम मारूफ थीं और उनसे लोग इस्ता करते थे तो अल्लाह ताला ने ख़ास उनका जिक्र फ़रमाया लेकिन कुरान हकीम में और भी चीज़ों की हरमत यहाँ भी लुकता है सिर्फ इशारा कर दें भाई हराम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ ना कुछ चीज़ों के लिए तो जैसे भी वादे का जिक्र थोड़ी देर पहले हुआ था हर मरतबा किसी शह की ममान्यात के लिए फ़क्त हराम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता और भी अंदाज़ उसमें इख्तियार किए जाते हैं खैर तो खुरानी करी में ख़ास सूअ का तस्करा तो हमें मिलता है फिर अहादी मुबारक में वो जो दरिंदे गोश्त खोर जानवर हैं उनको रसूल अक्रम स फरमाया इसी तरह वो परिंदे के जो <coughs> जिनके पंजे होते हैं और वो नोच नोच के खारे होते हैं अल्लाह के रसूल आल सलाम ने उनसे भी मना फ़रमाया ये तो बहुत मारूफ़ बात है कि वो परिंदे जिनके पंजे होते हैं या वो जानवर जो मुर्दार खोर होते हैं गोश खोर होते हैं उनको हजूर आसमाम ने हराम करार दिया अलबत्त यहाँ मैं एक नुकता अर्ज करना चाहूँगा एक बात का जिक्र आम तौर पर नहीं हो पाता ये गुफ्तु तो आलती फलां जानवर हराम है बिल्कुल उसका कोश इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे कि सूअ का जिक्र आ गया मुर्दार खोर का जिक्र आ गया या गोश खोर जानवरों का जिक्र आ गया लेकिन यह भी बताना चाहिए कि चाहे हलाल जानवर हो और उसको हासिल किया जाए माल हराम से तो वो भी जाइस वो भी हराम है भी है हलाल जानवर मगर उसका गोश्त और जिबा भी किया गया अल्लाह का नाम लेकर लेकिन अगर उसको माल हराम से हासिल किया जा रहा है भाई इसकी भी ममानियत है हजूर अली सलाम फरमाते हैं हराम माल से पला हुआ जहन्नम का मस्सीक जन्नत में दाखिल नहीं होगा ये जरा अलग नुकता है इसी तरह लिबास के मामला में भाई ये सतर के अहकाम ये हिजाब के अहकाम ये मर्द के लिए लिबास औरत के लिबास बिल्कुल सही बात है लेकिन ये भी बताना चाहिए कि लिबास हलाल आमदन से हासिल किया जाए वरना हदीस मातः कि शख्स ने लिबास पहना और दस ग्ररहम का है मसलन और एक दरहम उसमें हराम का है जब तक पहना रहेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो ये नुकता भी कि जो शायद शे हलाल है और उसके हासिल करने का ज़रिए हराम है तो ये शे भी जायज़ नहीं है इससे भी इज्तना करने को हमें बताया गया है अच्छा ये भी बात कुरान के दीगर मुकाम से साबित ही है कि वक्त हलाल होंगे जब उनको किया बिल्कुल। इसी भी जो इशारा आया था ना कि चार बातें जिनकी हुरमत बयान की उसमें मुर्दार, भी, मुर्दार शामिल भी शामिल है अब बकरा है सूर्य माहा ही में थोड़ी तफसील आती है उसको किस एक बकरे को दूसरे बकरे सीम मारी मर गया या वो पहाड़ी की चोटी से गिर गया मर गया और हमारे हाथ नहीं आ सका था तो बकरा वैसे हलाल है मगर मुर्दा है तो अब उसके मर जाने के बाद में ब्बा करूँ तो भी वो सही नहीं है मेरे लिए हाँ अगर उससे पहले पहले हाथ आ जाए तो मैं बा कर लूँ तो वो मेरे ठीक होगा हलाल होगा यानी हलाल जानवर को भी हलाल तरीके पर बा किया जाए अल्लाह सुबहान तला का नाम लेकर उसको बा किया जाए तब वो हमारे तो लिए हलाल हो जाए जजाक रखे अच्छा यही बा के हवाले से कुछ लोगों को बड़ा तर्स आता है जानवरों के ऊपर देखो मासूम जानवर हैं और इनको अपने गोश्त खाने के लिए देखो कैसे ये लोग बा कर रहे हैं और कुछ लोग तो इतने पक्के होते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी वेजिटेरियन बन के जो है वो गुजार देते हैं तो ये एक एतराज सा तो है इसका हाँ, क्या जवाब है बड़े अजीब अजीब मामला होते हैं मैं आपको पता है कि चार्टड अकाउंटेंसी की फील्ड में रहा तो एक दफ़ा हम ऑडिट लाइफ में थे तो वहाँ एक ट्रेनी ने कहा कि वो ज़रा जरा मॉड घराने के फर्द थे वो का कहा इतने क्यूट से जानवर होते हैं इतने क्यूट से जानवरों को हम जो है वो ब्बा करते हैं बकर की बात हो रही हालाँकि वैसे सब खाते होंगे वो <coughs> मैंने कहा अच्छा अगर सिर्फ यही दलील ठहरी तो आप चिकन खाते हो हाँ मैंने कहा चिकन तो ज़्यादा क्यूट है बकरे के मुकाबले में तो खामोश होंगे ठीक है जी दूसरी बात यह है असल ओसूली जवाब क्या है जिसे अल्लाह ने हलाल करार दिया तो बात ख़त्म तो हो गई ये सारे जानवर ये सारी मखलूक इसका मालिक कौन है और उसका इख्तियार है जो चाहे सो करे वो जो खालिक भी और मालिक भी है वो कहते हैं भाई तुम ये खा सकते हो तो ख़त्म हो गई बात बाकी किसी को जानवर पे बहस हो रही है तो भाई जो वेजिटेरियन है और जो पौधे खा रहा है पत्ते खा रहा है आपको पता है कि जान तो उसमें भी है। उस भी, मौजूद है फिर तो वो भी खाना छोड़ दे तो बचेगा क्या मेरे भाई नहीं। नहीं। फिर तो कोई भी चीज़ बचती नहीं है और अगली बात यह है कि जिस जानवर को ज़िबा ना किया जाए मौत तो उसको भी आनी तकलीफ तो उसको भी होनी और साबित शुदा बात है कि जो जबी का इस्लामी तरीक़ा है उसमें जानवर को तकलीफ भी बहुत कम होती है जबीए के इस्लामी तरीके में जानवर को तकलीफ भी कम होती है इसके के वो जो झटके का मामला हो तो मशीनी जमीहे का जमीहा कहना भी ठीक नहीं है।, है मशीनों से जो काट काटा जाता है अगर इसी दफ्तर इस्तेमाल कर लूँ तो तकलीफ़ तो जानवर को फिर भी होनी मौत तो आनी ही है आहल मुफसरी ने लिखा वो जो तबीयी मौत जिस जानवर को आ रही उसकी भी तकलीफ़ उसको होती है ज़िबाह की सूरत में उससे कम ही तकलीफ उसको हो रही होती लेकिन ये हमारे ज़मीनी जवाब हैं इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे हज़रा होंगे तो ज़रा मेडिकल के टर्म्स में ज़्यादा बेहतर एलेबरेट कर देंगे लेकिन असल जवाब क्या है असल जवाब यह है अल्लाह ने हलाल करार दिया तो सारी मखलूक की अक्ल एक तरफ रहेगी अल्लाह की इजाज़त या अल्लाह का हुक्म वो हमारे लिए बाला तर बात है उसकी मखलूक है उसने कहा कि इसको खा सकते हो इसको खाएंगे और जिसको कहे कि मत खाओ उसको नहीं खाएंगे खाएँगे कि ये भी बात कही जाती है कि भाई जानवर खाते हैं तो उनके फिर असरात भी होते हैं तो ये भी एक चीज़ है गोश्त खा के तो वो हैवानियत आती है शायद ये भी कुछ पहलू है आ, वैसे भी इंसान को तो भी एनिमल तो कह दिया कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने ज़रा सोशल एनिमल कह के जरा हाथ हल्का रखा तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फिज़िकल बॉडी की बात कर रहा हूँ तो फिज़िकल बॉडी में तो जो दीगर हैवानात में अगज़ा हैं वो तो अल्लाह ने हमारी बॉडी में भी रखे लेकिन इंसान मेरा हैवान नहीं यही तो सारी बहस है एक वो तहजीब है जो बेखुदा तहजीब है जो इंसान को जानवर ही तस्लीम कर बैठी और जानवर मनवाने पर तुली हुई और एक हम हैं जो कहते हैं अल्लाह ने तो इंसान को अशरफुलमखलूक़ात बनाया इंसान में रू में से कुछ फूका गया और मसजूद मलाक बनाया गया अल्लाह ने अपनी खिलाफत दे खलीफा बना ज़मीन पर भेजा ये अपनी जगह मबास बाकी यह है कि सबको छोड़ें क्या रसूल आलि सलातम ने बकरी का गोश्त खाया खाया बहुत ख़त्म बाद इस कायनात की बेहतरीन हस्ती ने जो कि अल्लाह के पैगम्बर सल्ला व्लम अगर जानवर का गोश इस्तेमाल फरमाए तो अब मेरे लिए तो बहस जो है वो ख़त्म हो जाती है हाँ अगर कोई कहे कि असरा किसी दर्जे में तो भाई बहरहाल अल्लाह तला ने दरिंदे खाने की इजाज़त नहीं है छीड़ फाड़ करने वाले जानवरों को खाने की इजाजत नहीं दी है वो जब से क्यों थोड़ी देर पहले हाँ। आया था आप गाय का गोश्त खा लें बकरे का खा लें भेड़ का खा लें ऊंट का खा लें इसकी गुंजाइश अल्लाह सुबह तक की शरीय में अता की गई है बिल्कुल सर अच्छा शेख साहब एक तो हराम हो गए कि जो बता दिए गए चार चीज़ों का जिक्र के अल्लाह ने आगे फरमाया कि गैर महल सैदी व अन तुम ये किसी ख़ास कैफियत के साथ भी शिकार को या जानवर को मना किया जा रहा है वो है कि हालत अहराम इसकी ज़रा वजाहत हो जाए जी सिर्फ़ हालत अहराम ही क्या अल्लाह ने बाज़ तवाक़े पर हमें हलाल चीज़ें भी रोक दी रोजे की हालत में देख लें पूरा एक महीना वो तो रोज़े फ़र्ज है ना माहिर रमज़ान के फिर कुछ लोग नफल रोज़ों का भी माशा है, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो असल तो बात यह है कि हुक्म अल्लाह सुखान तला का जब माह रमदान आता है तो अल्लाह के ख़ज़ानों में कमी तो नहीं ना कोई अल्लाह को बजटिंग का मसला ना राशनी का मामला वो तो हमारे भले के लिए कि लाअल तत्तून ताकि तुम में तखवा पैदा हो जाए और इंसान की रूहानी तरक्की के लिए कुछ मशकों से अल्लाह ताली ये इबादात से कहिए अल्लाह तंदे को गुजारता है रोज़े का एक बहुत बड़ा हासिल क्या होता है बंदा अल्लाह के खातिर हलाल चीज़ों को छोड़ देता है तो इसके काबिल उसको बनाने बनाया जाता है यह मकसद है कि लाअल तत्त कौन तुम हराम से बचने वाले बन जाओ तो एक तो ख़ास रोज़े का मिजाज

हज या उमरे के लिए जाना अल्लाह ताला के घर की जियारत करना ये इतना प्यारा मुकद्दस सफर है कि बंदे के अंदर अल्लाह चाहता है कि इसके अंदर फ़क़ीरी की रविश नजर आए तो बंदा आम जो एक तज़ीन और आरइश के अंदाज़ होते हैं उन सब को छोड़ देता है एक फ़कीराना लिबास बल्कि दो सफ़ेद चादर अहराम की वो तो एक गोया के कफ़न ही की याद दहानी और उस हालत अहराम में कुछ चीज़ें उसके वो अपने ऊपर हराम कर लेता है खुशबू इस्तेमाल नहीं करता बाल नहीं तराशता नाखून नहीं काटता हाँ जी सर को नहीं ढापेगा एंड सो so ऑन सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा एंड सो so ऑन ये क्या है ये एक फ़कीराना अंदाज है कि तुम अल्लाह के फ़कीर बनकर उसके दर पर हाज़िर होने की कोशिश करो इस दौरान में अल्ला सुबहान तला ने you <laughs> खुशकी के जानवर का मना फरमा दिया अल्लाह जो चाहे सो करे लेकिन ये वक्ती मामला हालत अहराम से बाहर निकल आएगा तो फिर कोई उसमें मसला नहीं है ये वक्ती हुरमत है जैसे कि रोजे के दौरान में हलाल चीज़ हम छोड़ देते हैं हालत अहराम में खुशकी के जानवर को मना कर दिया गया उसका शिकार नहीं किया जा सकता सुरहदा में हम पिछले किसी प्रोग्राम में वायद भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें इसका जिक्र आया था कि अल्लाह तुम्हें आज़माएगा किसी का शिकार से माशाला तो वहां पर शायद उसकी हेकमत भी आ गई कि यह आजमाइश है एक सूरत अल्लाह ने रखी है और वहाँ पर हम मुझे याद आ रहा है कि डिस्कस

वो शैम्पू ना मिले तो विचारे परेशान पर हो जाते हैं, हैं। कुछ हम ज़्यादा ही जरा तयशात के आदि हो गए तो हमारे लिए इतनी आजमाइश बहुत हो जाती है उनके लिए वो बड़ी आजमाइश का मामला ज़्यादा हो जाया करता था कि बात सही कि अल्लाह ताली की तरफ से एक आजमाइश की बात है यही वजह कि हालत अहराम कि बाज़ गलतियों पर छोटा कफ़ार है मतलब यही कि कोई सदका खैर और बाज मरतबा दम भी निकलता है फिर जब बड़ी गलती होती है तो फिर बकरा या बकरी भी राह खुदा में कुरबान करना पड़ती है आजमायश का मामला तरबियत के जरिए है अच्छा इसी में अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वो है असद जो कि कििबा खुश्की के शिकार के लिए इस्तेमाल होता है जिससे मालूम हुआ बल्कि ालिबन आगे सुरम आदमी में आयद भी है कि तुम्हारे लिए समंदर का या दरिया का जो शिकार है वो हालत हालत में भी हलाल है जी तो ये इसकी कोई हिमत बनती है कि खुश्की पे तो मना कर दिया हाँ। लेकिन दरिया और समंदर हाँ। में जायज है दो बातें दो बातें पहली बात तो है कि अल्लाह का फैसला है ठीक है लेकिन भारत उसके बाद हम भी इंसान है ना कमजोर है हाँ। कि अल्लाह मानते तो जरा समझा भी दे तो मान लेना छता है पहले उसके बाद फिर समझाने की समझने के लिए कोशिश करते तो फिर निकाह अल्लाह ताला सुझाता भी बहुत जो बात लिखी वो ये है कि जब तो आदमी खुशी का सफ़र कर रहा होता है तो ख़ास एक जानवर का शिकार मना किया गया बाकी चीज़ों से इस्तेफ़ादा करना मुमकिन हो खुशी पे बाकी चीज़ें या रास्ते में बाकी चीज़ों की दस्तियाबी मुमकिन होती है।, है लेकिन अगर कोई समंदर का सफ़र कर रहा है तो उसके लिए समंदर के अंदर तो कोई ना दुकान होगी ना कोई बाजार होगा तो उसके लिए लगता है कि गुंजाइश छोड़ी गई कि समंदर के शिकार को हलाल रखा गया अगर ज़्यादा राह या ज़रूरत की चीज़ें खाने पीने की ख़त्म हो जाए तो ये गुंजाइश मौजूद रहेगी जबकि खुश्की के सफ़र के दौरान में क्योंकि और चीज़ों की गुंजाइशें मौजूद हैं इसलिए खुश्की के दौर, आ, सफर के दौरान में जानवर के शिकार को मना किया गया कि वल्लाह आलम शिक्षा आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन अल्लाह यहकुम मा युरीद बेशक अल्लाह जो चाहता है फैसला फरमाता है तो, तो इसका पूरी आयत के साथ क्या रब बनता है देखिए पहली बात तो है कि हाकिम अल्लाह है और इख्तियार कुल उसका है वो चाहे तो तुम्हें हालत अहराम में हलाल चीज़ें मना फरमा दे वो चाहे तो चरने वाले बाज जानवर को मना कर दे जैसे कि सूअ का ज़िक्र आ गया और वो चाहे तो बकरे की हिल्लत तुम्हारे लिए बरकरार रखे बकियों को तुम्हें हलाल करार दे दे तो असल चीज़ क्या है उसका हुक्म है बात जो समझाना मकसूद है कि अल्लाह खालिक भी है अल्लाह मालिक हाँ। भी है अल्लाह रासिक भी है अकिम भी है ये तस्वूर आज उम्मत के जहनों से हट गया बाज मरतबा मैं आम मुसलमान माशरों की बात कर रहा हूँ कि जब मख्तल मौाक़े के हवाले से दीन की रहनुमाई का जिक्र हो अरे तो मौलवी ने दीन को बड़ा मुश्किल बना दी हर चीज़ में दीन को खींच कर लेकर आ जा तो अरे भाई दीन मौलवी के अब्बा जान का नहीं है ये दीन तो अल्लाह का है ना तो अल्लाह कहते हैं वो जो चाहे हुक्म दे तो यह हलाल और हराम के तल्लु से हिलत और हरमत के तल्लु से इख्तियार तुम्हारा नहीं अख्तियार अल्लाह सुबहानो का है ये अंदाज़ जो यहाँ पर इख्तियार किया और शुरू में क्या बात आई थी अपने वादों को पूरा, पूरा करो वादे का कर, पूरा करने का हुक्म किसने दिया अल्लाह ने और वादे की किस्म क्या है कि उसको मानो उससे किए गए वादे को पूरा करो उस वादे के पूरे करने में सारी ज़िंदगी आ जाएगी अब हलाल और हराम के मामलों में भी जो अहकाम हैं उनकी पासदारी करना अल्लाह से किए गए वादे ही का तकाज़ा है फिर इसी के तरीके पर जान लीजिए शैतान ने एक पट्टी पढ़ाई थी अल्लाह ने पट्टी को। मुर्दार खाते थे नहीं नहीं। वो हो तो 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 गया हराम शैतान ने उल्टी पट्टी पढ़ाई तो अल्लाह बार बार वाजे करता है तुम्हारी अक्ल मैं है वो जिसको कह दे हलाल वो हलाल और वो जिसको कह दे हराम वो हराम कुछ मरतबा कहीं किसी हु की हिकमत शायद हमें समझ में आ जाए इतमान कल्ब होगा लेकिन भाई सारे अहकाम की हकमत समझ नहीं आ सकती अगर सारे अहकाम की समझ आ जाती तो ना अल हकीम जात को हेमत भरा कुरान भेजने की ज़रूरत थी ना नालकम ज़ात को हिमत बयान करने वाले मोहम्मद मुफ्फ़ा आलाम को भेजने की ज़रूरत थी मुझे बता दें मुझे तो समझ नहीं आती हो सकता है किसी के पास जवाब हो फजर के दो फ़र्ज हैं जोर के चार हैं असर के चार मगरब के तीन इशा के चार बता दीजिए क्या हिकमत है मुझे समझ नहीं आती अच्छा जी फजर में तिलावत इमाम ज़ोर से करता है जहर की चार रकत में आहिस्ता करता है असर की चार रकत में आहिस्ता करता है मग़रब की दो में ज़ोर से करता है तीसरी में आहिस्ता करता है ईशा की दो में ज़ोर से करता है तीसरी चौथी में आहिस्ता करता है क्या दलील है बस एक ही दलील है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐसे नमाज अदा किए सल्ला तो हाँ हम मानते हैं कुछ मरतबा हमत आ जाएगी सामने ठीक है इतमान कल्ब हो जाएगा लेकिन हमत सामने ना भी आए तब भी मानना है क्यों दुनिया में हमें समझ आता है बॉस बॉसिस

बहुत शुक्रिया शेर साहब के कीमती वक्त का महतम मतलब नाजीन आज के इस प्रोग्राम में हमने ये समझा कि ईफ़ा अहद यानी वादा पूरा करना अल्लाह की खुशी और बसरत और मोहब्बत और रजामंदी का सबब है अल्लाह ताला हम तमाम अहले ईमान को ईफा अहद की अहमियत को समझते हुए वादों का पाबंद बनाए और अपने वादों को पूरा करने के अल्लाह ताली में हतमकान तोफ़ी कता फ़रमाए आमीन या रब्बल आलमीन आज के लिए बस इतने इंशाल्लाह शा प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अस्सलाम वालेकुम व असल व वबरक वो जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए من تعلم मन القرآن मनताबल तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाए